नमस्कार, आप देख रहे हैं सीने स्पीक। मैं हूँ आपके साथ रोशनी यादव। बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 की। जी हाँ, आपको बता दें कि जो कैप्टनसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे, जो बहुत ज़्यादा दोस्त दिखाई दे रहे थे, उनमें थोड़ी सी अटपटी हो गई हैं चीज़ें, और जो चीज़ें हैं काफ़ी अलग होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर देखा ही जा रहा है कि निमृत जब वहाँ रहती हैं तो सौंदर्य और शालिन उनसे बता रहे होते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि तुम पहचानो कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है और कौन नहीं। क्योंकि जो शिव है वो प्रेफरेंस पूछने पर एमसी स्टैन और प्रियंका का नाम ले लेते हैं। तो वहाँ पर वो लोग उन्हें कहते हैं कि ये सही समय है ताकि तुम पहचानो कि तुम्हारे असली फ्रेंड्स कौन है और कौन नहीं। वहीं पर जो निमृत है वो भी जाती हैं शिव के पास और उनसे पूछती हैं कि प्रियंका तुम्हारी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी कैसे हो गई। तो वहाँ पर वो रो भी रही होती हैं, मायूस होती हैं साथ के साथ, और जो है वो शिव से ये सारी बातें कर रही होती हैं। तो शिव उनको जवाब देते हैं कि उन्हें पता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और क्या नहीं। देखा ये भी जा रहा है कि जो शिव हैं और एमसी स्टैन हैं वो बैठकर वो छोटे से हाउस में बातें कर रहे होते हैं, वो जो घर उनका होता है वहाँ पे, कि जो है कि ये दोनों मतलब जो सुंबुल और जो हैं निमृत, दोनों जो हैं वो शालीन के काफ़ी नज़दीक होती जा रही हैं, और सौंदर्य से भी जो है उनकी बातें ज़्यादा बढ़ रही है। तो वहाँ पर सुंबुल भी आती हैं, चीज़ें क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हैं, पर जो शिव हैं और एमसी स्टैन हैं वो मानते नहीं हैं। वहाँ पर सुंबुल ये भी कहती हैं कि जो शिव हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताने मारते हैं, इससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें उनके बीच थोड़ी सी अटपटी नज़र आ रही हैं। तमाम इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए और क्या कुछ होता है दोनों के बीच में, कैप्टनसी का क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सीने स्पीक्स।